असलकम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं तो यहाँ जी मैं बना रही थी देसी घी मैंने मलाई जमा करती रहती हूँ वैसे तो बनाना चाहिए पहले मक्खन निकाल कर फिर देसी घी बनाना चाहिए उसका फ़्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है लेकिन रोज़े के साथ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती तो मेरे पास जब मुझे क्विक काम करना होता है ना तो मैं डायरेक्ट ही मलाई को जो है ना पकने के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्रीज़र से एक दिन पहले ही निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो फिर उसको पकने के लिए रख देती हूँ तो आज भी कोई यही वाला काम ही मैं कर रही थी कि जल्दी जल्दी बस देसी घी बन जाए और यूज़ भी हो जाए ना रमज़ान में तो उसके लिए मैंने ना बस यहाँ पे लो फ्लेम पे बिल्कुल उसको पकने के लिए रखती है और लो फ्लेम पर ये पक जाएगा 45 मिनट्स टू वन आवर लगेंगे और यहाँ थोड़ा सा दूध मेरा बच गया था तो इसकी मैं अब बनाने लगी थी दही तो दही के लिए ना मैं सबका अपना अपना तरीका होता है तो मैंने यहाँ पे दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया मैंने बस हल्का सा मैंने ल्यूक वार्म किया था नींद गर्म किया दूध को और अब मैं ना बग़ैर दही डाले पहले इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी थोड़ी सी ऊपर फॉर्म सी बन जाती है तो मेरा ये मेथड होता है और इसमें मैंने वन पिंच जितना मैंने इसके अंदर स्टीविया ऐड किया है उससे ना ज़रा मीठी मीठी सी जैसे हम लोग बाहर की टेट्रा पैक वाली जो हम लोग दही लेते हैं ना बिल्कुल वैसी लगती है बाहर की दही जैसी लगती है तो आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं मैंने वन पिंच जितना स्टीविया ऐड कर दिया था उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है मीठी मीठी सी बनती है हल्की सी मीठी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं और फिर अच्छी तरह से उसको पहन के ना दूध को तो फिर मैंने इसमें एक चम्मच जो है ना ये सर्विंग स्पून जो है इसका दही का डाल दिया है और दही डाल के मैं ज़्यादा नहीं हिलाती बस इतना सा डाल के तो इसको मैं पाँच छः घंटों के लिए रख दूंगी कहीं पर ऐसी जगह जहाँ इसको हिलाया ना जाए और अवतारी के टाइम तक जो है ना दही प्रिपेयर हो जाएगी और आपको याद होगा जो मैंने आ, लास्ट वीडियो में आपको चाउमिन बनाना सिखाया था चिकन स्पगेटीज़ तो वो मेरी जो बच गई थी उसके साथ अब मैं यहाँ पे रोल्स बना लूँगी क्योंकि बच गई थी तो रमज़ान में आपको पता है नेक्स्ट डे रोज़ा होता है तो हर चीज़ प्रॉपर नहीं खाई जाती बच जाती है तो मेरे पास यहाँ पे ना रोल्स की शीट पड़ी हुई थी तो फ्रीज़र में ही मैंने रख दी थी तो उसके साथ अब मैं यहाँ पर बना लूँगी रोल्स जितने भी बनेंगे वो बना लूँगी तो ये वाले भी बहुत मजे के बनते हैं क्योंकि वैसे भी जब भी मैं स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ तो मैं उसमें पैकेटिस जो है वो लाजमी ऐड करती हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा इसके भी बना लेती हूँ ये भी बहुत अच्छे बन गए थे अच्छा रोल्स बनाने के दो तरीके होते हैं एक तो होता है कि आप कॉर्नर में रख के मसाला जो है मटेरियल अपना वो बना लें पहले मैं वैसे ही बनाया करती थी लेकिन अब मैं इस तरह से बनाती हूँ इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत ही ना एक्यूरेट शेप बनती है और बड़ी फाइन शेप बनती है और यहाँ पे घी भी मेरा बस ऑलमोस्ट बनने ही वाला है और अब अफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैं रोल्स फ्राई कर रही हूँ और समोसे फ़्राई कर रही हूँ साथ में मैंने क्रॉकेट्स भी एक एक फ्राई कर लिए थे तो अभी तक तो जो मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी मेरी रमज़ान की वो चल रही है और आज आपको एक बहुत मज़े की रेसिपी दूंगी आज मैं आपको दूंगी मैकरोनी पकौड़ों की रेसिपी मैंने मेकरोनीस ले ली थोड़ी सी बॉयल्ड छोटा प्याज लिया बारीक स्लाइस किया हुआ एक हरी मिर्च चॉप की हुई और थोड़ी सी बंद गोभी भी ली है मैंने चॉप की हुई बंद गोभी पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है मैं पहले भी आपको बताती होती हूँ अच्छा तीन चम्मच इसमें मैंने डाल दिए जी बेसन के और तीन चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी राइस फ्लावर के चावलों का आटा आराम से हर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है चावलों का आटा चावल का आटा डालने से ना पकोड़े बहुत बहुत क्रिस्पी बनते हैं नेक्स्ट लेवल क्रिस्पी बनते हैं बहुत ज़्यादा मज़े के और इसके अंदर मैंने नमक डाला थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे होते हैं ना धनिया और ज़ीरा पाउडर और वन टीस्पून साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है साबुत धनिया भी डाला है और वन फोर्थ टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो भी डाला था कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने और इसके अंदर मैंने वन टीस्पून जो है ना छोटे वाला मैंने इसके अंदर लहसन का पेस्ट भी डाला है अच्छा लहसन या लहसन अदरक दोनों का पेस्ट पकोड़ों में डालने से ना उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मैं पकोड़ों में मीठा सोडा नहीं डालती मुझे लगता है कि उससे बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं और मुझे सॉफ्ट पकोड़े नहीं अच्छे लगते हैं मुझे क्रिस्पी अच्छे लगते हैं बस थोड़ा सा एक दो मैंने स्पून पानी का बस डाल के इसको मैंने थिक थक सा है ना इसका बैटर मैंने बना लिया है और इसको आप चाहें तो हल्के हाथों से मिक्स करें कि आपकी मेक्रोनीस रह जाए साबुती आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि थोड़ा सा उसको मैश कर लें तो खैर पकौड़ी अब मैं इसके बना लूँगी और मैं बहुत ही छोटे साइज़ के छोटे छोटे से पकौड़े बना रही हूँ छोटे पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इसका जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लूँगी और ये मस्ट ट्राई रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर मैक्रोनिक पकोड़े बहुत मजे के बनते हैं और जी अब ये देखिए इसका बहुत प्यारा सा कलर आ गया है तो अब मैं इसको निकाल लूंगी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के पकोड़े ये बनते हैं और आजकल एक तो वीडियो स्किप इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऑलमोस्ट डेली सेम ये अवतार बन रही होती है ना कुछ नया नहीं होता तो फिर मैं कहती हूँ वो क्या दिखाऊँ कोई नई चीज बनाऊँ तो फिर आपको दिखाऊँ ना तो कल भी मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन ये रेसिपी आप रात भी ट्राई कीजिएगा और थोड़ी सी मैं क्रोनी से देखें कितने सारे पकौड़े बन गए हैं तो हमारा जो है टेबल सेट हो गया और इफ्तार का टाइम भी हो गया है जूसी सी मैंने फ्रूट चाट बनाई है और यहाँ पर रोल समोसे क्रॉकेट्स फ्राई कर लिए हैं तो डेट्स इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़